हेलो दोस्तों, हम आ गए आज देखने के लिए। शायद आपने नाम भी ना सुना हो, ये अपना भविष्य बद्री, ये अपना जोशी मठ से जो उत्तराखंड के अंदर है, वहाँ से तकरीबन तकरीबन 20 किलोमीटर है और सारा ही रास्ता सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई का है। काफी ऊंचाई पे तो चलते चलते हम थोड़े से थक गए हैं, पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सीनरी काफी अच्छी है यहाँ पे। इसकी मान्यता है, जैसे जो अपना प्रेजेंट बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वो कुछ समय बाद जो वहाँ के पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और वहाँ पे जाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। उसके बाद जो बद्रीनाथ जी का मंदिर को माना जाएगा, वो ये नया माना जाएगा जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम भविष्य बद्रीनाथ रखा गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं, बस थोड़ी सी देर। ऊपर चढ़ना है, चढ़ना भाई बड़ा ही डिफिकल्ट काम है यहाँ पे। ये हमारे साथ में आए हैं डॉक्टर सिंह हैं, डॉक्टर हितेश और डॉक्टर दलबीर। बस पहुंच ही गए हैं आप ये मान के चलिए। ऊपर चढ़ के मिलते हैं भाइयों। ये आ गए हम भाई भविष्य बद्रीनाथ। थोड़ा सा ऐसा पास होने क्या है वहाँ पे? एयरफील्ड लैंडिंग मोजे तो पहन ले। ये बाबा जी अभी हमें दिखाएंगे भविष्य बद्री जी, श्री भविष्य बद्री आगमन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये यहाँ की, अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा। इसकी मान्यता है, जो आपको मूर्ति दिख रही है ये पूरी ऊपर आ चुकी है, पहले ऊपर नहीं थी। एक बार हम भी दर्शन कर लेते, उसके बाद मैं आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दिखाई दे रही है ये अपने भविष्य बद्रीनाथ जी की मूर्ति है, जिनको की भविष्य में पूजा की जाएगी। अभी बद्रीनाथ जी के दर्शन जो होते हैं वो प्रॉपर बद्रीनाथ जी के वहीं पे होते हैं, उससे पहले के एक थे वृद्ध बद्री, वहाँ पे दर्शन किए जाते। तो ये है भविष्य बद्री, फ्यूचर में यहाँ पे दर्शन किए जाएंगे। ऐसा मानना है कि इस मूर्ति पहले ये मूर्ति जो थी जमीन के नीचे थी, जैसा आप देख रहे हैं मूर्ति अभी जमीन को छोड़ चुकी है, ऊपर की तरफ आ चुकी है, और आने वाले कुछ समय में इस मूर्ति के साथ में बाकी दूसरी मूर्तियां भी अभी प्रकट हो रही हैं। एक तरफ में श्री राम जी की, लक्ष्मी माता जी की, गणेश जी की प्रतिमा भी बन रही है, तो वह सारी की सारी मूर्तियां प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाएगी। और कुछ समय बाद नारायण जी का नीचे मंदिर है, जिनकी कलाई जो है पतली होती जा रही है। जैसे ही वो नारायण जी कलाई जो है वो टूट जाएगी, उस कलाई के टूटते के साथ ही जो नर और नारायण पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे, और उसके बाद वहां पे जाने का रास्ता जो है बंद हो जाएगा, और उसके बाद भविष्य बद्री जी की पूजा करी जाएगी। सरकार ने भी अभी यहाँ पे, अगर आप कुछ समय पहले आते तो यहाँ पे आने के जो रास्ते थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं थे, आपको पूरा ट्रैकिंग के थ्रू आना पड़ता था, लेकिन अब 90% रास्ता जो है वहाँ उस पर आप बाइक या गाड़ी के थ्रू आ सकते हैं। अभी प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन चालू है, कुछ टाइम बाद बन जाएगा, तो उसके बाद आप इजीली यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह लेके आ सकते हैं और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सो सरकार भी इस कामों को कर रही है। तो ये भाइयों देख लिया है हमने अपना भविष्य बद्री जी, देख ही लिया होगा आपने। ये बाबा जी जिन्होंने हमें दर्शन कराया और उनके बारे में बताया है पूरा कि कैसा है। एक समय पे आपको यहाँ भी आने को मिलेगा, और आओ तो बिल्कुल जरूर, आने की जगह ही है, कभी भी आइएगा तो ये जगह जरूर, मतलब
आने के लिए बनी है, हमेशा बिल्कुल घूम के जाना है यहाँ पे। ऐसा मान्यता है कि मतलब कुछ टाइम बाद जब अपने बद्रीनाथ जी का रास्ता बंद हो जाएगा तो यही एक जगह होगी जहाँ पे उनकी बाकी बाद की आस्था बनेगी। यहाँ पे जो भी मूर्ति है जिसका हमने अभी चित्र दिखाता हूँ आपको साथ में, उसके अंदर ही मतलब पूरी की पूरी सारी की सारी मूर्तियाँ आने लगी हैं। अभी विष्णु भगवान जी की आ गई है, लक्ष्मी माता जी की आ गई है, श्री राम भगवान की आ गई है। अभी मैं आपको इस वीडियो के जस्ट ही बीच में या एंड में जब भी होगा दिखाऊंगा, पॉसिबल रहेगा जो फोटोज़ मैंने लिए हैं। वैसे तो फोटो लेना मना है पर ले ली है, वो दिखाता हूँ आपको। बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्वक माहौल है। ऐसी मज़ेदार जगहों को घूमने के लिए देखते रहिए डॉक्टर छिल्ला व्लॉग्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।